और ये बात आपको समझ में आ गया, सिलेक्शन के लिए क्वेश्चंस ही इम्पोर्टेंट है, राइट। चलिए, तो ये आपको पता है ग्रेविटेशन में होता क्या है, दो बॉडी होते हैं M1 M2, दोनों दोनों के बीच का डिस्टेंस है R12, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लेंगे, फोर्स कैसे लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास M1 M2, राइट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दोनों को कंबाइंड करो, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड आपको पता है ये जी है M1 M2 M2 अपॉन क्या करोगे, ये वाली वैल्यू है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, एफ विल बी इक्वल टू जी M1 M2 R12 का होल स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, जी M1 M2 R12 का होल स्क्वायर R1 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर, मतलब जी M1 M2 R12 वेक्टर R12 का क्यूब, ये वेक्टर है, सो दिस इज ये जा वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्सेस, जैसे ये होता है जी M1 M2 आई R1 स्क्वायर का क्यूब इंटू R12 वेक्टर होता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है मीडियम के इंडिपेंडेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हर जगह वैलिड होता है, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट इज वैलिड एवरीवेयर, हो गया है ना, और इसका यूनिट लिख लो जी का, एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2, तो क्या करोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, को डाउट है, ये होता है F12 किसके बराबर है, F21 के बराबर है, इसको बोलते हैं फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट, छापी जल्दी से, क्या लिखा आपने, क्या हाँ ये है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ सकता है, पहले ही आ सकता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला जी का लिख दो, और एक और अच्छी चीज देखो, द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन अपॉन पहला नेचर, दूसरा साइज ऑफ द बॉडी, अगला देखिए, और ये जो है थर्ड देखो, जी इज वेरी स्मॉल, तो हेंस ये जो ग्रेविटेशनल जो है
फोर्स जो है आर वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल होता है, अनलेस वन मासेस इज ह्यूज। यही रीजन है हम छोटे छोटे इंसान आपस में कोलाइड नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं कि हम अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते हैं, तो भाई एक्सपीरियंस नहीं होता, मास बहुत छोटा है इसीलिए। और इसकी जी की जो वैल्यू होती है, आवाज़ वो क्या होता है, 6.67 × 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और आपको पता है ये जो वैल्यू हमें पता है, लॉज ऑफ मोशन भी पता है, लॉज ऑफ मोशन ये वाला पता है। आगे देखना है आपको इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, तो बताता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे देखिए, ये जो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ ऑफ मोशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल क्या फोर्स, ये क्या बोल सकते हो, ये हमेशा अट्रैक्टिव ही नेचर होता है, ये नेचर। और क्या होता है, देखो सर यहाँ पे दूसरा बोल सकते हो कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, मीडियम के इंडिपेंडेंट होता है। थर्ड लिखिए, इट होल्ड गुड फॉर गुड ओवर वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस। अगला देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ ऐसे लिखाते हैं, ऑफ सुपर पोजिशन, जैसे ये वाला प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, समेशन होता है, वेक्टर सम होता है, एंड F1 F2 F3 Fn, उसको बोलते हैं वेक्टर समेशन, वेक्टर समेशन। कोई डाउट है, ये आगे चलें। अच्छा, ये जो फोर्स होता है, थोड़ी दुख की बात है, सबसे वीक होता है, सबसे ज़्यादा होता है न्यूक्लियर फोर्स, फिर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई डाउट है, ये बोल आपको पता है, ये जो होते हैं, जो रेशियो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो होता है 10 to the power -43 अराउंड होता है, ये आगे देखिए, ये जो होता है, ये जो फोर्स, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। और बताइए, और ये जो है, इट इज
एन एक्शन या रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और ये है। हाँ जी बताइए क्या आया बताइए। हाँ, और वो करता क्या है, करेगा क्या ये भी बात, क्या करेगा? हाँ ठीक है, और ठीक है, और ये मीडियम पर डिपेंड करता है क्या? सबसे इसका रेशियो क्या होता है, इसी का रेशियो? ओके चलिए आगे चलें। आगे जो है ये कोई होता है जैसे कि एक ये बोलता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डज नॉट डिपेंड अपॉन डिपेंड ऑन, पहला है किस पर, किस पर नहीं, चार ऑप्शन दिया देखिए यहाँ पे, सम ऑफ द मासेस, और देखिए प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, तीसरा देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और देखिए ये डिस्टेंस बिटवीन द मासेस लिख लो, बताइए भाई साहब कौन सा आंसर सही है इसका। कैसे बोला, डज नॉट डिपेंड अपॉन, वो तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ मास तो करता ही है। बोला कि मास एम है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया एक्स इंटू एम, दूसरा हो गया वन माइनस एक्स इंटू एम, है ना। बोला गया कि एक्स फॉर विच, लिखो कैलकुलेट द एक्स फॉर विच, कैलकुलेट द एक्स फॉर विच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द टू पीसेस, पीसेस बिकम मैक्सिमम, बताइए। इसमें होता है ए वन बाई टू, थ्री बाई फाइव, वन टू, बताओ।
आता है, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आगे देखो। चलिए कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे हाँ ठीक। ये लो, अब इसको डिफरेंशिएट किया आपने। चलिए अगला का जिस तरीके का थर्ड पे आ जाइए। कैसे करोगे? हाँ, नेट फोर्स निकालना है ना। देखो, बोला इसने जैसे इसमें ये होता है, थ्री आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे सी है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, फोर्स कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ले लो, आई एक्सिस के लॉन्ग है, नहीं, ये आई के एक्सिस है, जी वाला वैसे निकाल लो। जे न्यूटन, नेट फोर्स कितना होगा बताओ? ऐड कर दो आई प्लस जे न्यू, आया।
चलो आ जाओ, चलो स्टार्ट करा जी। डी सी बी ए ये 4M, 3M, 2M, देखो बीच वाले में निकालो, इसका इधर किसका निकालो, इस चीज से निकालो। ये पॉइंट पी है, ये निकाली, ये निकालो, एफ पी निकालो। सब निकालो, सो एफ नेट निकालो, निकाली। अब टू रूट, यस। ठीक, आगे चलें। कैसे निकाला भाई? ओके। ठीक है, चलो आगे चलें भाई। ठीक है,
अगला लिखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालते हैं? होता है जी, मतलब जी निकालना है। जी कैसे निकालोगे? जी सोर्स का मास आता है इसमें। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, मास ऑफ बॉडी अपन यहाँ था डिस्टेंस स्क्वायर। हो गया, आगे चले, आगे लिखिए। जैसे एक और अच्छी चीज देख लो, तो हमें पता है तो जी बराबर होता कितना है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मास डेंसिटी इंटू कितना वॉल्यूम, ये याद करो। जी ये कार से यार बच जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 पाई रो जी आर। हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 करना। अभी बताऊंगा मैं कैसे कैसे वैरी करता है हाइट के साथ, कैसे कैसे वैरी करता है। हाँ तो डेंसिटी का टर्म मैं निकाल लो इसे। हाँ ठीक है, तो ठीक है, आगे चलें। हाँ जैसे सिक्स कर लिया आपने ना, तो जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4/3 पाई रो जी इंटू आर। रो आर इसको डिवाइड कर दो। हाँ
कार में अपन आर निकालना होगा। जी ई रो ई अपॉन रो एम। हाँ ये 1/6 दे रखा है। ठीक ठीक है आगे चला। ये 7 आते हैं। अभी बोल रखा है कि स्फेरिकल जो है प्लैनेट है जिसका मास एन नॉट है, डायमीटर इसका डी नॉट है और पार्टिकल मास एम जो फॉल कर रहा है फ्लूइडली नियर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको पता है जी केवल कितनी होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी एम अपॉन, आप बोल रहा है कि इसका डायमीटर का आधा कर दोगे, रेडियस होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 4 gm बाई डी स्क्वायर, ये मास ऑफ प्लैनेट कितना होता है? एम नॉट डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, डी नॉट है तो वैल्यू पुट करोगे 4 gm0 अपॉन डी नॉट स्क्वायर। हो गया आगे चला। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। बोला कि मून का मून रेडियस दे रखा है इतना, आप देखो यहाँ पे मून से रेडियस ऑफ द मास मास जो दिया हुआ इसका इतना ऑफ द मास मास ऑफ अर्थ जी रिप्रेजेंट क्या करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी मून जी अर्थ ये जो है वर निकाल लो, मून ये अर्थ का और यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर और रेडियस ऑफ ये दे रखा है हमारे पास 80 और ये दे रखा है 4/1। सॉल्व करो। वो तो देखो हाँ जो भी होगा, अभी से मान लो कि अभी सी किस्मत के एक किस्त करवाता हूँ मैं, ये मास हमारा अर्थ का राइट, इसको आप लेके चले गए बताओ कहाँ पे, एच पे आर है, टोटल जो डिस्टेंस है आर प्लस एच
जी एच की वैल्यू जो होती है जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, सरफेस पे जो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, डिवाइड कर दो जी एम जी एम कट जाएगा। आर स्क्वायर कट जाएगा वन माइनस वन प्लस एच अपॉन आर का पावर माइनस टू, इसके बाद करोगे जी एच जी नॉट वन माइनस टू एच अपॉन आर, और जी एच विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा जी नॉट वन माइनस टू एच अपॉन आर। ये हम लोगों ने केस ले रखा है कि आर की वैल्यू बहुत छोटी है इसलिए, है ना, ऐसे हर केस के लिए तो वैलिड नहीं है भाई। हाँ क्या हुआ बताइए। अभी चला एक होता है डेप्थ का भी कर लो, वेरिएशन ऑफ डेप्थ, जैसे ये हमारे पास एक सच्चा है ओ तो मान लो कि अगर आप अंदर में रहोगे, सपोज आपके पास एक स्फीयर है अंदर में आ गए आर एच आर माइनस एच, इसको पहले मास निकालो, 4 पाई 3 मास है, मास है इसमें कैपिटल एम, तो क्या 1 यूनिट का मास होगा, कितना मास होगा, मास 4 बाई 3 पाई आर क्यूब मास ऑफ आर माइनस टू एच का कितना हो जाएगा एम। फोर बाई थ्री पाई आर माइनस एच का होल क्यूब। ये वाला
मास आर माइनस एच का होल क्यूब, एच क्यूब, अब क्या कर लेना है बताओ। ये तो मास आ गया उसका, हमें फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, जी एम डैश अपॉन आर माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू क्या करो, हाँ यही है, तो पुट करो वैल्यू, जी एम आर माइनस एच का होल क्यूब इंटू होल क्यूब आर माइनस एच का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा देखो, जी एम आर स्क्वायर आर माइनस एच अपॉन आर जी एम आर स्क्वायर आर बाई आर एच बाई आर जी एम आर स्क्वायर वन माइनस एच अपॉन आर, इसको बोलते हैं जी डैश विल बी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर वन माइनस एच अपॉन आर, कोई डाउट है? हाँ जी, जो भी है, कैसे क्या कर लिया आपने? कर लिया आपने? देखो अब ऐसे क्या है, एक लिखो सर, ऐसी कौन सी हाइट है, जैसे एक निकालो क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ, नाइन ठीक है, क्या क्या दिया हुआ था, क्या परसेंटेज चेंज इन क्या, परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है आज, अच्छा ठीक है, 1% तो श्रिंक हो रहा है ये,
ये मतलब एक फॉर्मूला याद कर लेना, टू इंटू जो होता है ना परसेंटेज चेंज इन रेडियस कर देना, ये याद कर लेना कि वेन एवर दे वांट टू कैलकुलेट, जब मास वगैरह सब कुछ सेम हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना लेना। हाँ बिल्कुल सही बात है। टेन करें? हाँ नहीं, नाइन्थ, नाइन्थ करते, नाइन्थ तो हो गया ना, टेंथ करते। ये सिंपल सा क्वेश्चन छोड़ दो, इलेवन करो। ठीक है। हो गया। हाइट और ची का तो ऐसा कर दो ना कि अगर एच अगर प्लेनेट का ले रहे हो तो नीचे करो जी प्लेनेट का। हो गया, आगे चले। देखो वेरिएशंस ऑफ वेरिएशन इन जी ड्यू टू स्पेस ऑफ व्हाट अर्थ, आपको पता है ना एक होता है इक्वेटर, नहीं आपको पता है ना इक्वेटर इक्वेटर इक्वेटर, यस यस कर रहे हैं ना, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं होता ना, ओवल होता है ना, रेडियस ज्यादा किसका होता है, तो रेडियस इक्वेटर के ज्यादा होता है ना, तो जी ज्यादा कहाँ होगा।
सॉल्व करो। जी क्वार्टर से 13 करो। ठीक है। ठीक है। लिस्ट, हाँ जी लिस्ट। और ज़्यादा कहाँ पे होगा? आगे चलें। एक सेकेंड, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया। वही है, सेम है। निकालो 50, निकालो सेक्शन, निकाल दें। अगला दीजिए। यस।